गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं 11:30 और हमने नहा लिया है, धो लिया है, पूजा भी हो गई हमारी। और किमी ने बना लिया है रायता बूंदी का, और एक मिनट हम आपको दिखाते हैं। तो ये किमी ने बना लिया बूंदी का रायता, और ये नारियल है कि किमी बनाएंगी शाम को डोसा, तब इसकी चटनी बनाएंगी ये नारियल की। ये देखिए, हम नहाने गए थे जब तक उन्होंने अपना ये काम कर लिया है, तभी वह नारियल भी फोड़ लिया उन्होंने, छील भी लिया है। अब क्या करोगी? एक प्लेट ले लो, नीचे रखे हो। और देवांश गए हैं पढ़ने स्कूल, तो आज खाना बनना नहीं है हमारा। और डोसा तो शाम को ही बनाएंगे। शाम को बनाए थे हमने परवल आलू, वो रखे हैं, और रायता बन गया है। बस थोड़ी सी रोटी सेक लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सब खाना बनाने से कुछ होगा नहीं, बर्बादी हुआ, क्योंकि डोसा बनाना है शाम को, तो इसलिए अभी खाना नहीं बनाया है। मैं रायता पी लिया है, मज़ा आ गया। थोड़ी सी कमी थी उसमें, तो सफ़ेद नमक डाल दिया उसमें हमने, और लाल मिर्च भी डाल दी है, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये नारियल की चटनी बन चुकी है, और ये हमारी सुपुत्री ने बनाई है। इसको फास्ट फूड का बड़ा शौक है, तो ये कुछ ना कुछ बनाती रहती है। अभी ब्रेड पकौड़ा बनाया था, और अभी ये आज डोसा बनेंगे। मजा आ गया, चक्का चटनी को अच्छी बनाई है। बस कड़ी पत्ता चाहिए इसको, कड़ी पत्ता चाहिए इसको, कड़ी पत्ता। बघार लगाया, बघार लगाएंगे अभी। ये लगा रहे हैं हम बघार चमचे से। इसमें तेल है, राई है, और लाल मिर्च है, खड़ी वाली। कड़ी पत्ता नहीं है, बस कड़ी पत्ता नहीं है, कड़ी पत्ता नहीं है। ये गाना गा रही, कड़ी पत्ता नहीं है। तो अब इसमें लग गई है आग, और लगा रहे हैं हम बघार। लगा रहे हैं 1 2 3। इसमें बघार लग गया है, आप लोगों ने देख लिया, आग लग गई थी, और इसने इसको मिक्स भी कर दिया। और अब चला गए एडजस्ट। कहाँ से उठ रही है सड़क की वजह से, एडजस्ट निचलाती है। और अगर ये लोग किचन में हो ना, तो किचन का सत्यानाश हो जाता है, सब फैला रहता है। ये देखो, ये अपनी शक्ल तो दिखाएंगी नहीं बहन जी। चलो जाओ नहाओ, पानी गर्म हो गया होगा। अब सब लोग यही सोचेंगे पानी गर्म इतनी गर्मी में। हाँ तो भैया जेट लगा तो उसका पानी इतना बर्फीला आता है कि हम लोग तो ठठर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल से नहाते हैं। 6 बज रहे हैं, और हमने बना लिए चाय। देवांश को छोड़ने गए थे, तो थोड़ी सी जल्दी जल्दी में पी थी चाय हमने। अब देवांश को छोड़ा है हम, तो अब रखी है हमारी, तो हमने सोचा गर्म करके फिर से पी ले दोबारा से। ठंडी हुई थी वाली चाय, इसलिए चाय गर्म कर रहे हैं। और एक साइड आलू रख दिए हमने, डोसा बनाने वाला, तो उसका जो आलू का बैटर बनाएंगे, मीठी बनाएंगे आलू की। आलू बन रहे हैं, तो ये उबल रहे हैं आलू, और ये हो रही है हमारी चाय गर्म। तो अभी देखो हम कुछ दिखाने वाले हैं, ये लेटे हुए हैं कि ये फोन चला रही है, ये फोन चला रहे हैं। सब लोग कह रहे थे, बहुत से लोग जो हमारे परिचित के हैं, वो कहने भाई साहब को क्यों नहीं दिखा रही हो, तो हमने चलो आज थोड़ा सा दिखा दें कि लेटे हुए भाई चाय गर्म हो गई है। ये देखो डोसा की तैयारी चल रही है, ये आलू छिल रहे हैं, ये प्याज अदरक और हरी मिर्च काट चुकी है, कढ़ाई चल चुकी है, और ये बैटर भी तैयार है डोसा का। फंस गई, फट गई, हाँ वो कर रहा था। ता ता ता
पगला जाता है बिल्कुल। अभी बेड के नीचे छुपा था, उधर कांड कराए जी। नहीं, इसको साड़ी बनाया था पता है वो गाने क्या चूड़ी के नीचे क्या है हमारे लोग। अरे तुम्हारा फाड़ देगा वो। अरे शिम्बा इधर आओ, तुम कांड कर कर आए, तुम उधर पे वो फैला कर आए कूलर का वो घास। क्या शिम्बा कूलर की घास फैला कर आया और पता छुप गया बैठ के नीचे। पगड़ी बांध लो, पगड़ी बांध है ना, पूरा सिंगार कर दो। वही तो करो भाई, साड़ी वही देखो ना, मानता नहीं है देखो, इसी के पीछे लगा रहता है। शिम्बा को तुमने आज दवाई नहीं पिलाई? हाँ। देखो मंगलवार छुट्टी है दवाई की। ना ऐसा कुछ नहीं है, छुट्टी तो मंगलवार को छुट्टी रहती, बाजार बंद रहता है, दवाई भी बंद रहती। दवाई नहीं पीना है, शिम्बा की हो जाएगी पटाई। क्या शिम्बा खिला दो ले। अरे यार मंगलवार वाले दिन जाए लेक चाहिए, लेक खिलाए। हाँ किसका लेक खाना बता तुम। अरे लेग नहीं, एग एग एग। अच्छा एग क्या इंटी, हम तो सरकार। अब बताओ कौन कहेगा एग को लेग। हम कहते हैं एग को लेग। फोन आ गया मौसी का, मौसा का फोन आ गया। ये तैयारी चालू हो गई है, दाल में डाल दी प्याज, हरी मिर्च, अदरक और राई भी डाल दी। हाँ ये देखो आलू मैश हो गए हैं। आज सब कुछ यही बना रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, बस हम सावर ही बनाएंगे। कहाँ चढ़ा लिया उसने गोरी है, वही तो पगला देखो, उसका बाल बाल नोच रहा है। चक्कर ना आ जाए उसको, बैठा रह गया वो तो चक्कर आ गया। देखो भाई ये पोटैटो को आलू बोलती है, हमें तो पता ही नहीं था कि पोटैटो पोटैटो ठीक है ना, पोटैटो माने आलू भी होते हैं। नहीं पोटैटो पोटैटो हाँ नहीं, आलू को आलू का मतलब क्या होता है? पोटैटो 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 नॉट आलू ओनली पोटैटो। आलू पोटैटो बना रही हो? हाँ। अब भाई वो यूनिवर्सिटी से हम सरकारी स्कूल का बता। हाँ। बंद करो। ऐसे बंद करो। ये बना रहा है, बन रहा है हमारा डोसा। वाह कितना प्यारा बन गया है, कितना अच्छा बन गया है। छोटे बच्चे के लिए था। हाँ अभी छोटे बच्चे हैं। ये हमारी शिवानी बना रही है। क्या वाह कितना अच्छा बन गया है। आओ तो जरा ये हमारे दीवान से इंतजार कर रहे हैं, हम सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और ये हमारा सिम्बा, शिवानी को देख लिया आप देखो। पता है आप लोगों को कितनी मेहनत का ये डोसा है हम लोगों का। सच्चाई ना आप सच्चाई बता नहीं सकते कितनी मेहनत लगी है इस डोसे के लिए हम लोगों को। अब आप देखिए हमारी किचन की हालत देखो आप। सिम्बा प्लेट लेकर आओ।
कोई हमारा किचन देखेगा तो कहेगा वाह ऐसे बनते हैं डोसा। ये बन गया डोसा अच्छा सा, ये देखो अब ये लोग खाएंगे। इतना बढ़िया डोसा बनाया उसने, डोसे में इतनी मेहनत लगी हम लोगों को, कभी किसी चीज में नहीं लगी। पहली बार डोसा बनाया था, बाकी तो सब अच्छा बन गया था, लेकिन जो डोसा बनाने में मेहनत लग रही थी ना, फिर शिवानी से बनवाया हम लोगों ने डोसा, उसने बना के बताया। हम लोग का बैटर थोड़ा सा पतला सा हो गया था, पहले गाढ़ा था, अब पहली बार ट्राई करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, तो गाढ़ा हुआ, फिर बना लिया हम लोगों ने और खा भी लिया, मज़ा भी आ गया, अब सीख गए। लेकिन उसमें हमने की भी ने इनके पापा ने सब ने कोशिश कर ली थी कि डोसा बनाने के लिए बन नहीं रहा था। चलो फाइनली डोसा बन गया, खा लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छा पेट भर गया अब तो। और सिम्बा ने भी खाया है, सिम्बा ने आलू खूब खाए, मज़ा आ गया। तो भाई फिर मिलते हैं कल हम आपसे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट।